उत्तर पश्चिम रेलवे ने 2021 और 2022 में निर्माण परियोजना को बहुत तेजी से किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 2021 और 2022 के दौरान 265 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण किया, जो कि संपूर्ण भारतीय रेलवे में सबसे अधिकतम है। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही गेज परिवर्तन, दोहरीकरण, नई लाइनों व विद्युतीकरण के कार्यों का भी लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा फुलेरा जोधपुर रेल मार्ग पर वर्ष 2021 और 2022 में मात्र 5 माह में 128 किलोमीटर मार्ग का दोहरीकरण पूर्ण कर रेलवे का संचालन भी प्रारंभ कर दिया। साथ ही फुलेरा जोधपुर रेल मार्ग के डेगाना बोरावड 38 किलोमीटर, मेटा रोड खारिया खंगारिया 26 किलोमीटर तथा बोरावड कुचामन सिटी 20 किलोमीटर रेल मार्ग का दोहरीकरण का कार्य पूर्ण कर रेल संचालन प्रारंभ किया गया। साथ ही शेष रह गए रेलखंड कुचामन सिटी, नावा सिटी खरिया खंगार पिपार रोड तथा नवा सिटी कुलेरा को 2023 से पहले पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही गेज परिवर्तन के कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। वर्ष 2021 और 2022 में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 134 किलोमीटर रेलखंड का अमान परिवर्तन भी किया गया, जिससे मावली बड़ी सादरी 82 किलोमीटर तथा डूंगरपुर जयसमत 52 किलोमीटर रेलखंड शामिल है। साथ ही उदयपुर सिटी हिम्मतनगर जयसमत 147 किलोमीटर व उदयपुर सिटी खारवा चांदा 24 किलोमीटर और रेलखंडों का मान परिवर्तन हो चुका है तथा हिम्मतपुर के डूंगरपुर के मध्य रेल का संचालन प्रारंभ भी कर दिया गया है। इस रेलखंड के जयसमत खारवा चांदा 37 किलोमीटर रेलखंड का मान परिवर्तन कर कार्य 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस परियोजना के पूर्ण होने पर उदयपुर सिटी से अहमदाबाद सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा तथा मुंबई के लिए भी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। इसके साथ ही दोसा गंगापुर नई लाइन के लिए पिपलाई डिडवाना 35 किलोमीटर रेल खंड के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य 2022 में रखा गया है। आवागमन विकास तथा रोजगार को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा नई रेल लाइनों, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के कार्य पूर्ण क्षमता के साथ किए जा रहे हैं। बीते सालों में निर्माण परियोजना के लिए बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जिससे इन परियोजनाओं को समयानुसार पूरा किया जा सके, ताकि इनकी लागत में वृद्धि ना हो और समय से यात्रियों को इनका लाभ प्राप्त हो सके। देश के विकास के लिए रेल का विकास होना आवश्यक है, इसलिए भारतीय रेलवे का बुनियादी ढांचा मजबूत होना अति आवश्यक है।